दिस न्यूज इज ब्रॉट बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून कुल्लू। मंडी के केलोधार में वन रक्षक हरीश कुमार की मौत का मामला दिनों दिन नया मोड़ लेता जा रहा है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक से हरीश कुमार के परिजनों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल मिला और उन्होंने एसपी से मांग की कि हरीश कुमार की मौत हादसा नहीं है बल्कि वन माफिया ने उसकी हत्या की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश कुमार फौज से रिटायर होने के बाद वन रक्षक के पद पर केलोधार में तैनात था। हरीश की पत्नी सुनीता शर्मा ने पुलिस अधीक्षक मंडी से मांग की है कि उसके पति की हत्या हुई है जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं दादा ने भी कहा कि वन माफिया उसे कई बार धमकी देता था क्योंकि हरीश ने वन माफिया के खिलाफ पुलिस में कई मामले दर्ज करवाए हैं जिससे उनको शक है कि माफिया ने ही हरीश की हत्या की है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। एसपी गुरुदेव शर्मा ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने आशंका जताई है कि हरीश कुमार की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू की गंभीरता से जांच की जाएगी। जी शर्मा, हम इसलिए थे कि 16 तारीख को रात को मेरे पोते हरीश कुमार जो फॉरेस्ट गार्ड था केलोधार में, उसका हम तो शक हुआ कि उसका मर्डर हुआ है क्योंकि उसकी दुर्घटना गाड़ी से कर दी गई है। इस वास्ते हमें एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि इसके इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और बड़ी जल्दी काम है। हरीश कुमार जो है जिसने 17 साल फौज में नौकरी की, वो बहुत ही एक एक्स सर्विसमैन होने के नाते वैसे ही कर्मचारी था और उसने फॉरेस्ट के बारे में जो गार्ड का काम करता था वहाँ पर उसने कई एफआईआर जो है गोहर पुलिस थाने में भी दर्ज कराई है और वनकटुओं के साथ उनका काफ़ी नोकझोंक होती रहती थी। उसने टेलीफोन रिकॉर्डिंग में भी साफ की हुई है सा, और टेलीफोन रिकॉर्ड जो है तो पुलिस की कस्टडी में है, उससे छानबीन करके जो अलग पत्र वास्तविकता लग जाएगी कि है क्या वहाँ पर। इस बारे में हमको ये बिल्कुल संदेह है कि इसकी मृत्यु जो है की गई है और इसलिए हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। श्रीमती सुनीता शर्मा ने एक शिकायत पत्र हमारे पास दिया है जिसमें कि उसने कुछ इश्यूज जो उसका पति हरीश कुमार जिसकी डेड बॉडी वहाँ पे केलोधार में मिली थी, फॉरेस्ट गार्ड है, तो कुछ इश्यूज रेज किए हैं तो उसकी पुलिस द्वारा हर पहलू पर जाँच की जा रही है और पुलिस ने इसमें एफएसएल की टीम भी मौके पर गई थी, हमारे जो डीवाईएसपी हेडक्वार्टर थे वो भी मौके पर गए थे और हर तरह से हर पहलू को ध्यान में रखकर पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा। आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल ग्रूम्स मेकअप के साथ साथ हेयर कट ट्रिमिंग शेविंग हेयर स्पा फेशियल वैक्सिंग ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।